गाइस वेलकम टू माय चैनल शाइन लो इरा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें मैं आपको बोर नहीं करने वाली हूँ। पूछे क्यों, एक बहुत ही ट्रेंडी वीडियोस चल रहे थे कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर। आई वेंट टू द बेस्ट रिव्यूड, आई वेंट टू द वर्स्ट रिव्यूड, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट फॉर पार्टीज एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा टर्न भी आ जाए। तो रिसेंटली आई वेंट टू दिस बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट इन माई टाउन, इनफैक्ट इन माई मदर्स टाउन, मॉम्स टाउन। मैं उनके घर गई हुई थी कुछ टाइम पहले इन फरीदाबाद। सो एंड दिस लेडी इज ऑसम गाइज। उनके जो टेक्निक्स थे बहुत डिफरेंट थे और उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। बाय द एंड जो फाइनल लुक था वो सब आप देख कर समझ चुके होंगे हाउ टैलेंटेड शी इज। सो मैं शेयर करूंगी आज वो पूरा ट्यूटोरियल मैंने शूट किया। एंड येस, मैं उनकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। वो फ्रीलांसर भी हैं, अगर आप चाहें उन कॉन्टैक्ट करना आप कर सकते हैं। बट येस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू टुडेज़ वीडियो और कॉमेंट कीजिए, मुझे बताइए मैं और क्या एक्सपेरिमेंट्स करूँ आपके लिए। आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है। शुरू करें, 1 2 3 लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ गाइस जो उन्होंने किया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वाज मेरे पूरे चेहरे को एक क्लीन टिश्यू पेपर से साफ करना, प्रॉब्ली वो एक वेट वाइप था। और फिर उन्होंने मेरे आई मेकअप से शुरुआत की। यहाँ पर वो एक कंसीलर मेरे आई बेस पर अप्लाई कर रही हैं, जिससे जो डिसकलरेशन होता है आपके आईलिड्स का वो कम हो जाता है, क्योंकि आईलिड्स आपके बाकी फेस से कंपैरिजन में डार्कर होते हैं। तो कंसीलर लगाने के बाद उन्होंने उसको एक लूज पाउडर से सेट भी किया ताकि वो फाइन लाइन में सेटल ना हो जाए, वरना फिर आई शेडोज़ की फिनिश अच्छी नहीं आ पाती है गाइज़। उसके बाद शी स्टार्टेड विद दिस ब्राउन आई शेडो गाइज। बाय द एंड मैं एक ऑफ वाइट कलर का गाउन पहनने वाली थी। तो हमने डिसाइड किया वील गो फॉर अ गोल्ड एंड ब्लैक स्मोकी आई लुक। तो उसके लिए उन्होंने पहले ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके मेरे ट्रांजिशन शेड को इंटेंसिफाई किया, क्रीज लाइन उसे इंटेंसिफाई किया। और उसके बाद शी वेंट अहेड टू डू अ कट क्रीज। अब यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जो उनका ब्लेंडिंग प्रोसेस था वो इतना क्विक था कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत टाइम लग जाता क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है इस चीज़ में, बट उनके हाथ इतने सधे हुए थे, उन्होंने बहुत ही फटाफट, मुझे लगता है 10 मिनट्स के अंदर ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद कट क्रीज बनाने के लिए उन्होंने उसी कंसीलर से एक पतले ब्रश से, टेपर्ड ब्रश से, आई ब्रश से उन्होंने कंसीलर पूरे आधे आईलिड्स पर अप्लाई किया। अब इसका भी एक टेक्निक है गाइज, अगर आप को ये नहीं पता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर क्रीज को कट करना है तो आपका मेकअप पूरा गलत हो सकता है। अगर आपके आईज़ छोटे हैं, अगर आपका जो लिड स्पेस है वो कम है, तो आपको अपना कट क्रीज थोड़ा ऊंचा रखना है ताकि आपकी जो क्रीज लाइन है वो थोड़ी सी फॉल्सिफाई होकर ऊपर नज़र आए। उसके बाद चूंकि वो एक गोल्ड ग्लिटर अप्लाई करने वाली थी मेरे आईलिड्स पर जहाँ पर उन्होंने क्रीज को कट किया है, उन्होंने पहले बेस पे मुझे लगता है कि एक गोल्ड डस्ट अपने फिंगर्स से अप्लाई किया था, आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद मेरे कॉर्नर्स को उन्होंने ब्लैक आई शेडो से इंटेंसिफाई किया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ किए हैं बहुत ही हाई ब्रांड्स के थे। ऑल्दो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस चीज़ में कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए मोस्टली। कई बार तो आप अलाउड भी नहीं होते हैं, अगर आपको, मुझे तो वहाँ पे इसलिए अलाउ किया गया क्योंकि मुझे करवाना था मेकअप। बट हाँ, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के उन्होंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए। ये जो हाइलाइटर वो मुझे लगा रही हैं मेरे ब्राउ बोन पर, ये मैक का था। और फाउंडेशन जहाँ तक मुझे लगता है या तो हुडा ब्यूटी था, उनके पास इनफैक्ट सारे बड़े ब्रांड्स थे। मैं बहुत ही सरप्राइज थी देख कर। यूजुअली आप जब मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं या मेकअप पार्लर्स में जाते हैं तो वो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आपको नहीं दिखाते हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगे हुए थे मेरे सामने और वहीं से वो उठाकर मुझे अप्लाई कर रही थी। जो गोल्ड डस्ट अप्लाई किया था उन्होंने मेरे लिड्स पर, उसको उन्होंने टॉपअप किया है, मुझे लगता है ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो था। मेरे पास भी है ये, सो आई नो ये वही था शायद। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, मैं वैसे भी स्विस ब्यूटी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ गाइज, तो उनके पास भी ये था और उन्होंने बहुत ही नज़ाकत से मेरे आईलिड्स पर इसे स्प्रेड आउट किया और ब्लेंड तो बहुत ही अच्छी तरह से किया, आप देखिएगा बाय द एंड।
काजल के लिए मैं सरप्राइज थी, उन्होंने एक जेल लाइनर यूज़ किया। मैंने पहले कभी जेल लाइनर नहीं अप्लाई किया है, ऑल्दो आई नो कि उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सो उस जेल आईलाइनर से उन्होंने मेरे आईलाइनर क्रिएट किया मेरे आईलिड्स पर, और मुझे लगता है मुझे बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं फील हो रही थी, और बहुत ही ईजिली वो ब्लेंड आउट भी हो गया। आप जब मेरे आई मेकअप देखोगे लास्ट में, सुपर कूल गाइस, सुपर कूल। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान 2 से 3 बार उन्होंने मेरे फेस को वाइप ऑफ किया उस वेट वाइप से, और तो वो क्लीन होता जा रहा था और एक्सेस ऑयल भी ऑफकोर्स निकल रहा था। मस्कारा, दिस बॉटल आप सबको पता है ये मेबलिन का कोलोसल मस्कारा है, काफ़ी लॉन्ग स्टे है, वाटरप्रूफ डेफिनेटली था। तो उन्होंने फॉल्सीज अप्लाई करने से पहले मेरे आईलैशेस पर अच्छी तरह से ये मस्कारा अप्लाई कर दिया था, क्योंकि कोई भी फॉल्सी लगाने से पहले ज़रूरी है अपने आईलैशेस को आप कर्ल कर लें, क्योंकि जो फॉल्सीज होते हैं, फॉल्स आईलैशेस होते हैं, फेक आईलैशेस, वो कर्ल शेप में होते हैं। तो ज़रूरी है पहले आप अपने नेचुरल आईलैशेस को कर्ल कर लें। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि हमने 2-3 आईलैशेस ट्राई किए थे, मुझे ज़्यादातर आईलैशेस हैवी लग रहे थे, तो बाय द एंड एक फाइनली एक लाइट, इनफैक्ट मीडियम वेट आईलैश ऐसा फिक्स हुआ जो हमने फिर फाइनली लगाया। और उसके बाद उन्होंने दोनों को एक साथ करके इकट्ठे करके भी मस्कारा अप्लाई किया, ताकि जो मेरे नेचुरल आईलैशेस हैं वो फॉल्सीज से मैचअप और मिक्सअप हो जाए। उसके बाद बारी आई फेस मेकअप की, उसके पहले भी उन्होंने मेरे फेस को वाइप किया, आप देखिए यहाँ पर, और मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा था, मैं रह रहकर आईना देख रही थी, क्योंकि जब आपको मेहनत ना करना पड़े ना, जब सिर्फ लेटना हो और कोई आपका सारा काम कर दे, बहुत ही मज़ा आता है गाइस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। फाउंडेशन के पहले मुझे नहीं पता उन्होंने क्या अप्लाई किया था, ये शायद ये कोई फेस ऑयल था, और बट इससे जो ग्लो आया बाय द एंड वो अमेजिंग था गाइस। और जब फाउंडेशन वो अप्लाई कर रही थी मेरे चेहरे पर, बिल्कुल बटर की तरह फ्लो कर रहा था, मतलब कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं खुद से फाउंडेशन तो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा केकी हो ही जाता है, बहुत ड्राइनेस फील होती है थोड़े टाइम के बाद, बट ये इतना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप था, ये फाउंडेशन इतना ऐसा ग्लाइड हो रहा था मेरे चेहरे पर, और बहुत ही बटरी फिनिश। आप देखिए इन्होंने ब्रश से वो फाउंडेशन अप्लाई किया था, और शेड बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे चेहरे से एक शेड लाइट था, तो बहुत अच्छे से मैचअप हुआ। अभी का चेहरा आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जब वो पूरी तरह ब्लेंड हो जाएगा आप तब देखिएगा। थोड़ा सा टेक्निक यहाँ पर मुझे डिफरेंट ये लगी कि उन्होंने पहले ब्रश से अप्लाई किया, और उसके बाद उन्होंने इस ब्यूटी स्पॉन्ज को, ब्यूटी ब्लेंडर को डैम्प करके तब पूरे फेस को डैब किया। तो मेरे ख्याल से इस तरह से फाउंडेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, अब आई डोंट नो, बट मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। और डेफिनेटली फाउंडेशन और कंसीलर, अच्छा हाँ, कंसीलर भी उन्होंने मुझे फाउंडेशन से पहले लगाया, ताकि जो डार्क एरियाज हैं, डार्क पैचेस हैं, वो डिस्कलरेशन दूर हो जाए, और फिर एक लूज पाउडर से भी सेट कर दिया था पूरे फेस को। कॉन्टोरिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड थी थोड़ी डार्क कॉन्टोरिंग में, बट उन्होंने लाइट कॉन्टोरिंग ही की मेरे नोज़ को और मेरे फोरहेड को और जॉ लाइन को। डार्क कॉन्टोरिंग का लॉजिक उन्होंने मुझे ये समझाया कि डार्क कॉन्टोरिंग फोटोग्राफी और फोटो सेशंस में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड में सामने से उस बंदे को देखोगे डार्क कॉन्टोर से, तो चेहरा बिल्कुल काला नज़र आता है। टू सम एक्सटेंट आई अग्री, कई बार मैंने भी जब डार्क कॉन्टोरिंग की है, चेहरा थोड़ा सा डार्क शेड में चला जाता है, सो लाइट पाउडर से ही उन्होंने कॉन्टोर करना प्रेफर किया। बारी आई थी ब्लश की, सो आई थिंक कोई पीची सा शेड था जो उन्होंने मुझे बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई किया था, क्योंकि मेरा गाउन में कोई कलर नहीं था, सो थोड़ा सा मेकअप का आज मैच करना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ थी हमारे लिए, बहुत ही राइट मेकअप ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपके पास कोई कलर्ड लहंगा है या गाउन है, यू स्टिल नो कि ठीक है मुझे पिंक चाहिए या रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, बट ऑफ वाइट्स के साथ बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, एक्सेस मेकअप सारा गेम ख़राब कर सकता है, ओवर कर सकता है गाइस। यहाँ पर वो हाइलाइटर लगा रही हैं मेरे गाल पर, मेरे नोज़ ब्रिज पर, फोरहेड पर और मेरे चिन पर। उसके बाद आईब्रोज़ को शेप करने के लिए शी जस्ट डस्टेड ऑफ अ लाइट ब्राउन आई शेडो, एक आई शेडो, आई एम नॉट श्योर वो क्या चीज़ थी, बट एक ब्रश से उन्होंने इस आई शेडो को मेरे, सॉरी आई एम नॉट श्योर ये क्या है, जैसा मैंने आपको बताया मेरे आईब्रोज़ को शेप अप किया, और उसके बाद लोअर लिड्स पर एक लाइटर ब्लैक या ब्राउन शेड था शायद ये, उससे उन्होंने नीचे के वाटर लाइन को लाइन किया,
जब भी आप अपने ऊपर कोई आईलाइनर लगाते हैं आंखों के ऊपर, उससे एक लाइट शेड आप नीचे के आईलिड्स पर अप्लाई कीजिए। लास्ट में बारी आई मेरे लिपस्टिक की गाइस, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए 2 से 3 लेयर अलग अलग कंसिस्टेंसी के लिपस्टिक्स को लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने इनसे सीखा। पहले उन्होंने मेरे लिप्स को अलाइन किया, जो कि मैं रेयरली करती हूँ, बट मैंने डिफरेंस देखा उस दिन। उसके बाद उन्होंने बेस पर प्रॉब्ली ग्लॉस लगाया या क्या, नहीं पता मुझे, बट फाइनली 3rd स्टेप पे उन्होंने मुझे लिप कलर लगाया। ये लिक्विड फॉर्म में था एंड बहुत ही शाइनी एंड शिमरी था, और उसके बाद एक बिंदी सी ये लुक कंप्लीट हो गया गाइज। मैंने हेयरडू भी उनसे करवाया था ताकि एक कंप्लीट पैकेज हो जाए, और लास्ट में मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था उन्होंने, जो कि एक्चुअली में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अपने बालों को कंप्लीट करने के बाद दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, दिस इज़ मी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, आपको अगर यकीन हो रहा है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इनके डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कभी कभी आपके हाथों में जादू होता है, वो जादू आप सबके ऊपर डालते हैं, अर्चना उनमें से ही एक है, प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो उन्होंने बिल्कुल परी वाला लुक दे दिया था, सो यस शी वाज द बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट इन फरीदाबाद। आई एंजॉयड दिस सेशन गाइस, डू लेट मी नो आप और क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पर। सी यू नेक्स्ट एंड लव यू सो मच, एंजॉय गाइज, बाय बाय।